हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक निबंध। जैसे कि आप लोग को पता है, नवरात्र शुरू हो गई और हर एक जगह का पंडाल मैं कवर कर रहा हूं। तो अभी मैं आ गया हूं LWC क्लब और ये ऐप से आई कि जस्ट बगल में एक ग्राउंड है और यहां पे जो थीम दिया गया है सपनों की उड़ान, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अंदर से देखने में। तो यहाँ के पंडाल को मैं दिखाता हूँ आप लोग को किस तरह से ये पंडाल बनाया गया और कैसा लग रहा है। तो चलिए पंडाल को घुमाते हैं फिर। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मूर्ति दिया जाएगा जो कि रात में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। तो रात का भी व्यू अभी आप लोग को दिखाते हैं, बस थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए। ये आ गया रात का व्यू, और रात का व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं नज़ारा, रात का कुछ इस तरह का सीन होने वाला है। देखिए आप लोग, खूबसूरत सा नज़ारा होने वाला रात का। कुछ इस तरह से कलर जो है चेंज होने वाला है बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो है खूबसूरत सा नज़ारा देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो है इसी तरह से रात को जो है कलर चेंज होगा, जैसे ही रात में मतलब लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, इस तरह से कलर चेंज किया जाएगा और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से होने वाला है। अंदर भी लाइटिंग की जा रही है, अभी फ़िलहाल काम चल रहा है और खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ दिखने वाला है अंदर में। तो आप लोग यहाँ ज़रूर जाइएगा। ये आप लोग को मैंने बता ही चुका हूँ, FCI के बगल में ग्राउंड है, वहीं का ये नज़ारा है। तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने को वहाँ मिल जाएगा। तो इस जगह पर आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए। देख सकते हैं रात का नज़ारा कुछ इस तरह का खास होने वाला है। लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग से ही सारा खेल है इसमें। इस पंडाल को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी खेल है लाइटिंग का ही खेल है। चेंज किया जाएगा कलर लाइट से ही, उस तरह का फोकस बनाया गया है। इसी तरह से ऊपर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ भी कलर चेंज होने वाला है। कलर चेंज रात में जब तैयारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ का नज़ारा खूब देख सकते हैं। लाइटिंग को बराबर से सेट किया जा रहा है, जो कि किस तरह से फोकस किया जाए और नज़ारा को किस तरह से दिखाया जाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ काम चल रहा है और यहाँ का भी नज़ारा आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखने वाला है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, अभी भी काम चल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से फिनिशिंग पूरी तरह से दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ काम होने के बाद यहाँ खूबसूरत सा नज़ारा दिखने वाला है। यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं मूर्ति, ये देख रहे हैं, इसमें भी इसके अंदर हर एक जगह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे पूरा का पूरा खेल जो है लाइटिंग का है और लाइट से ही खूबसूरत दिखने वाला है ये पंडाल। खास बाहर से आप लोगों को खास दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद आप लोग जाइएगा, आप लोग को इतना अच्छा लगेगा ना। देख सकते किस तरह से ये पंडाल बनाया गया, खूबसूरत सा इस तरह से शेप दिया गया है सपनों की उड़ान का, और इसी तरह से आगे भी कुछ शेप दिया गया, लगभग 1, 2, 3, 4, मतलब एक तरफ लगभग 4 शेप दिया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया, ये पूरा का पूरा 4 शेप दिया गया। और यहाँ पे तो माँ की प्रतिमा आने के बाद और खूबसूरत लगने वाला है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग को किस तरह से इसको डेकोरेट किया गया, क्योंकि सपनों की उड़ान बनाने की पूरी कोशिश की गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बारीकी से काम किया गया है। सपनों की उड़ान जिस तरह से दिखाया गया है, सच में लग रहा है लाइटिंग करने के बाद सच में सपनों की उड़ान लगेगा, क्योंकि देख सकते हैं किस तरह से फूलों से सजाया गया है बना के। और उधर भी आप लोग देख सकते हैं 4 जो दिया गया है, 4 जो सपनों की उड़ान का जो थीम होता है दिखाने की कोशिश की गई है, वो पूरा का पूरा दिख रहा है। और मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया, ये पूरा का पूरा ऊपर जो है मच्छरदानी का यूज किया गया उसी तरह से बना के, और सपनों की उड़ान को थीम देने की कोशिश की गई है। देख सकते हैं कुछ चिड़ियाँ भी बनाया गया, जिस तरह से लग रहा है खूबसूरत सा नज़ारा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे ही यहाँ पे माँ की प्रतिमा आएगी और उसके बाद लाइटिंग जलाने के बाद ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ FCI के बगल में जो यहाँ का भव्य पूजा होता है यहाँ पर। तो चलिए और भी चीज़ें मैं दिखाऊँ आप लोग को। तो इधर से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है इधर से देखने के बाद, जब पूरी की पूरी कंप्लीट होने के बाद और भी खूबसूरत लगने वाला है। तो यहाँ आना मत भूलिएगा, क्योंकि ये खूबसूरत सा थीम देने की कोशिश की गई है, जो कि ये लोग सफल दिख रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से सपनों की उड़ान को बनाने की कोशिश की गई है, जो कि एकदम लगभग सेम जिस तरह से होता है उस तरह से बनाने की कोशिश, इस तरह से ये सब हर एक चीज़ दिया गया है। और ये इसके बारे में तो मैंने आप लोग को बता ही चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, ऊपर तो आप देख ही रहे हैं कि इस तरह से
खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा, और इधर की मैं बात करूँ तो इस तरह से कुछ नज़र आने वाला है। तो यहाँ ज़रूर आइएगा, लाइटिंग करने के बाद ये और भी खूबसूरत लगने वाला है। तो देख सकते हैं किस तरह से आगे इस तरह, ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत लग रहा है ये टेम्प। तो देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है, तो आइएगा ज़रूर यहाँ, और भी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और भी पंडालें मैं आप लोग को घुमाने वाला हूँ। मिलते हैं कहीं और किसी और पंडाल को लेके। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं तो किस तरह से तैयारियाँ की गई है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि खूबसूरत सा दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है ये। इस तरह से ये भी दिया गया है, और भी चीज़ें मैं बात करूं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये मच्छरदानी का यूज किया गया है, और मच्छरदानी का यूज करके किस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा, FCI के बगल में ग्राउंड है वहीं पे, तो देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है, यहाँ माँ की प्रतिमा आएगी तो और भी खूबसूरत लगने वाला है। यहाँ पर आप लोग को मौत का कुआँ देखने को मिल जाएगा, और साथ ही आप लोग को मैं बात करूँ तो ये आकाशीय झूला भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ मैं बात करूँ तो इस तरह का ब्रेक डांस वाला जो झूला होता है ये भी देखने को मिल जाएगा। और साथ में मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये जो बच्चे वाले झूले होते हैं, रेलगाड़ियाँ वाले झूले भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी झूला, ट्रेन वाले झूला देखने को मिल जाएगा, बच्चों को ज़रूर लेकर आइएगा, बहुत ही एंजॉय आने वाला है। और यहाँ पे आप लोग को मौत का कुआं देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को मैं बात को तो आकाशीय झूला देखने को मिल जाएगा, ब्रेक डांस और नाव वाली भी झूला देखने को मिल जाएगा। इस तरह का बच्चों के लिए आप लोग को ये भी झूला देखने को मिल जाएगा, तो बच्चे को लेके यहाँ पर ज़रूर आइएगा। देख सकते हैं किस तरह से ये भी झूला देखने को मिल जाएगा, बहुत ही एंजॉय आने वाला, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बच्चे को इस पर खासा खुशी मिलती है, तो बच्चे को ज़रूर लेकर आइए। और भी चीज़ें, बहुत सारे काम हो रहे हैं, अभी झूले को लगाया जा रहा है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ खूबसूरत सा नज़ारा दिखने वाला है। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, LWC क्लब FCI के बगल में एक फील्ड है, वहीं पर ये खासा तैयारी की जा रही है झूले की, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा, देख सकते हैं किस तरह से पूरी की पूरी तैयारी अभी होने ही वाली है, बस कुछ पल का इंतज़ार है, उसके बाद फिर खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ दिखने वाला है।